नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर। तो दोस्तों आज अभी बज रहा है 11 o'clock और आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग दे रहे हो। ब्लॉग देने का बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने 2-3 पहले एक शॉर्ट्स डाला था कि मेरे नॉर्थ ईस्ट आसाम अगरतला और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में जो बांग्लादेश की सिलेट है वो पूरा फ्लड के अफेक्टेड है, बहुत हद से ज़्यादा फ्लड है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए धीमन भाई का बैग मिल गया और बैग लेके ऐसे जा रहा है और हाथ ये ना गिर ना जाए इससे हाथ को ऐसे रखा। ये सब हरकत है ना पूरे दिन भर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से रिलीव करता है, सब कुछ भूल के भी आगे चले जाते हैं। तो मैंने ना क्या किया, तो वहाँ पे ना लोगों के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो गवर्नमेंट वाले वहाँ पे सेना वाहिनी हेलीकॉप्टर से खाना ड्रॉपिंग कर रहे हैं। सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मेरे वहाँ पे मेरे दीदी रहते हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो इसलिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। और वीडियो बहुत दिन पहले की है, ये वीडियो अभी एडिटिंग करके डाला। और आज बना रही हूँ ना एस्पेरागस की चिकन की फ्राइड राइस, एस्पेरागस के साथ चिकन की फ्राइड राइस। और ये एस्पेरागस इतना ज़्यादा महंगा है, बड़ा वाला ना ये बंडल जो है ये 69 to 70 रियल होता है और ये छोटा वाला 15 रियल का है। और एस्पेरागस ऐसे तो बहुत अच्छा है, इसको हिंदी में सत्ताबड़ी भी बोलते हैं। और एस्पेरागस के पीछे ना ऐसे हार्ट रहता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल के फिर आप खाना बना सकते हो। मेरे हस्बैंड जो समोसा पकोड़ा इसमें इंटरेस्टेड है वो आज एस्पेरागस की फ्राइड राइस बनाने के लिए बोल रहे हैं। और मेरा भी आज शॉर्टकट बनाने का भी मन हो रहा है कि सिर्फ फ्राइड राइस बना दूंगी। और चिकन भी 3-4 पीसेस ही था, तो ये मेन अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप ऐसे फ्राइड राइस बना दो। तो एस्पेरागस को मैं ऐसे क्लीन करके फिर मैंने जैसे हम लोग बीन्स देते हैं ना ऐसे ही काट कर लिया। और बड़े वाले एस्पेरागस ना होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ये छोटा वाला बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और चिकन में ना मैंने थोड़ा सा अदरक और गार्लिक दे के मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा तेल भी डाला था, नमक भी डाला था। अभी इसको ना जो फॉर्क से सहारे से मैंने शेटेड बना लूँगी। हम जब छोटे थे एस्पेरागस कभी खाए कि नहीं याद भी नहीं है, हमारे वहाँ पे मिलता भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके वहाँ पे मिलता है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा हेल्दी होता है। यहाँ पे ना मैंने पहले गार्लिक डाला, देन प्याज डाला, प्याज को थोड़ी देर भुना, देन एस्पेरागस डाल दिया नमक डाल के। और एस्पेरागस की हेल्दी ऑप्शन ये है कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो एस्पेरागस को थोड़ा सा फ्राई करके मैं कैप्सिकम डाल दिया। 2020 के बाद से जैसे हमारे दुनिया में ऐसे ऐसे चीज़ हो रहा है ना जो एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, कोविड आया, कोविड ने तो तबाही मचा दिया। अभी जो फ्लड हुआ है ना, ये बोल रहे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो एजड लोग हैं उन्होंने भी बोला ज़िंदगी में ऐसा फ्लड नहीं हुआ है, रास्ते में लोग बोट चला रहे हैं, मतलब तबाही मच गया। अभी यहाँ पे क्या किया ना मैंने अंडा भी डाला, अंडे के ऊपर थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर डाला, विनीगर और सोया सॉस डाल के, और कुछ मैं मसाला नहीं डालूँगी, पतला वाला प्लेन वाला व्हाइट वाला फ्राइड राइस बना रही हूँ। और डाल दूँगी ठंडा करके रखा हुआ राइस, राइस डाल के मैं अच्छे से 10 मिनट तक इसको ऐसे पकाऊँगी फुल फ्लेम में, थोड़ा सा फ्लेम लो भी करूँगी, तब जाके ना फ्राइड राइस की स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसी सिचुएशन में ऐसे वीडियो में डाल रही हूँ, लेकिन दोस्तों ये वीडियो मेरा एक तो पुराना था और हम यहाँ से बैठ के क्या कर सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते। वहाँ पे सेना वाहिनी भी नहीं जा पा रहे, पानी में करंट हो चुका है, तो भगवान को प्रे करती हूँ कि सब सही रहे। और ये देखे मेरा हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ पे हम्प्टी डम्प्टी देख के खुद को पता नहीं कहाँ से बॉक्स उठा के लेके आए, बॉक्स के अंदर वो खुद को डाल दिया। और खुद थोड़ी देर बाद ना उसने क्या कि इसी बॉक्स से पेपर निकाल के उसके नाक के अंदर एक के बाद एक डालता गया। मैं खाना बना रही थी, मैंने नहीं देखा था, फिर मेरे पास गया, मैंने एक तो निकाल दिया, मुझे लगा निकाल गया है, लेकिन उसके अंदर और 2 पीस रह गया था, कुछ बताया भी नहीं। मैंने उसको नहला धुला के खिला के ना सुला दिया, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम ऐसे होता है ना, कुछ टाइम के बाद ना उसको सर्दी होने लगा है, जो वो सर्दी के साथ वो पेपर स्लिपरी हो गया। जब छीके लगाया शाम को वो जाके निकाल के आ गया पेपर। तो ये सब हरकतें ये करता है आजकल। धीमान ने वो मंकी जंप करते करते ना उसका पानी की बोतल तोड़ डाला, तो उसी के लिए एक पानी की बोतल लाने भी जा रहे हैं। यहाँ पे पता है ऑनलाइन फुटबॉल वर्ल्ड कप की टिकट भी काट सकते हो, और आपके पास रेजिडेंशियल वीज़ा होगा तो आप ऑनलाइन जाके आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन देना है। और रेजिडेंशियल वीज़ा वालों के लिए टिकट की प्राइस पता है कितना है, इतना ज़्यादा सस्ता है, 45 रियल्स ओनली।
तो उसके स्टार्टिंग प्राइस है, उसके बाद तो ऊपर तो होगा ही होगा। तो हमने भी ये फिलअप कर दिया था और उसके बाद ना ये लॉटरी होता है, लॉटरी में आपका नाम आएगा तो आपको टिकट मिलेगा, लेकिन हम लोग तो इतना किस्मत वाले नहीं है, हमारा नाम नहीं आया। और आप रीअप्लाई भी कर सकते हो, तो सोच रहे हो हम लोग फिर से रीअप्लाई करेंगे, किस्मत अच्छा होगा तो लॉटरी में आ जाएगा तो हम लोग वर्ल्ड कप देखेंगे, और हम देखेंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। आते आते मुझे एक चीज़ याद आया, मेरे एक भैया ने बोला था कतर की नाइट व्यू वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अभी भी कतर ना बहुत सारे जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे एक बार वो सारा कुछ ठीक हो जाए तो हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, इसलिए अभी नहीं बनाया। और यहाँ पे देखिए हम लोग लुलु आने के बाद ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक जगह कोड बनाया हुआ है, और यहाँ पे सारे चीज़ फीफा वर्ल्ड कप ही लिखा हुआ है, टी शर्ट, बैग, बॉल्स, शूज से सॉक्स सारे चीज़ों में, लेकिन इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। एक मिनट, एक गो मिस्ड, ओ गोल, लास्ट ट्राई, वेरी गुड, वेल डन। और ये देखिए कितने सारे कलरफुल बॉल, और ये बैग का प्राइस है 40 रियल, ये कपड़े का बैग है, और ये छोटे बॉल का प्राइस है 49, और ये बड़े वाले का प्राइस है 69, और ये बैग का प्राइस शायद 129 ऐसा होगा। तो सारे का प्राइस बहुत अच्छा खासा रखा है, और हमने यहाँ से ले लिया बॉटल, और लेना था खजूर घर के लिए, और खजूर की वही देख रहे हो कौन सा खजूर अच्छा है। अभी जहाँ पे देखो सब इंडिया जा रहे हैं, तो देखिए खजूर भी यहाँ पे खाली हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़े देर पहले और भी बहुत ज़्यादा देख के गए थे, लेकिन अभी बहुत सारा खाली हो गया था, तो लोग ऐसे इंडिया जा रहे हैं क्योंकि छुट्टी का टाइम है, वही में एक टाइम मिलता है कि इंडिया जाने का है। और थोड़ा बहुत चॉकलेट लूँगी, क्योंकि ये चॉकलेट बच्चों को पसंद आता है, बहुत ज़्यादा मैं चॉकलेट लेनी नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि चॉकलेट बच्चों को खिलाना भी अच्छा नहीं है, तो चॉकलेट बाद में आके हम लोग ले जाएंगे। हम लोग अभी घर जा रहे हैं, घर में आने के बाद सबको कुछ खाना था, हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता लेके आए थे, और ये फ्रूट स्मूदी बना लिया, फ्रूट भी थोड़ा सा था और फ्रूट ख़राब भी हो रहा है, तो सोचा ऐसे बना दूंगी तो सब खा लेंगे, क्योंकि मेरे घर पे फ्रूट ज़्यादा चलता नहीं है। यहाँ पे मैंगो है, एप्पल है और बनाना है, उसके साथ दे दूंगी डेट पेस्ट में, जो पहले एक वीडियो में दिखाया था, मैं घर पे बना के रखा था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। मुझे लग रहा है ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ये बड़े वाले में, क्योंकि जगह नहीं हो रहा है, मैंने ज़्यादा फ्रूट्स डाला है, क्योंकि हम तीनों खाएंगे इसलिए। तो इसका फ्रूट्स का वो स्मूदी बना लिया, और तो और उसके साथ है हमारा कुछ नाश्ता लुलू से लेके आए, और ये हो गया हमारा डिनर। तो दोस्तों अभी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे असम के लिए खूब सारा दुआ कीजिएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरा बांग्लादेश के सिलेट के लिए भी दुआ कीजिएगा। फिर मिलते कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।